हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके दिए गए हैं, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस पहले हमें समझना होगा, गेमेटोजेनेसिस हमें समझना होगा, फिर हमें बताना होगा इंटरलिंक क्यों है। ठीक है, तो मियोसिस पहले, सबसे पहले अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्या है? मियोसिस, ठीक है, मियोसिस इज अ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन इन विच द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें गेमेटोजेनेसिस का, तो देखिए गेमेटोजेनेसिस क्या होता है पहले हमें ये बताना है। ठीक है, तो गेमेटोजेनेसिस को डिफाइन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर इंटरलिंक क्यों है ये चीज हमें बताना है। तो गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, तो ये क्या हो गए आपके गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे क्यों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो गेमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? आर हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। गेमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर हैप्लोइड, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। गेमेट्स जो होते हैं हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, हैप्लोइड्स, तो हैप्लोइड्स किसको कहते हैं? कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, अगर ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है तो वो आपका हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो अगर समझ रहे हैं आपके हैप्लॉइड्स क्या है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हैप्लॉइड, व्हाइल द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is diploid। ठीक है, therefore क्या हो जाएंगे? therefore for producing haploid gametes हैप्लोइड गेमेट क्या हो गया आपका? गेमेटोजेनेसिस हो गया, वही हुआ ना आपका। तो फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्लोइड गेमेट्स यानी गेमेटोजेनेसिस, आप यहाँ गेमेटोजेनेसिस भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, द जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो मियोसिस। ठीक है,
एनऑर्गेनिज्म। अंडरगो मियोसिस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मियोसाइट्स द मियोसाइट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो टू सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन विथ अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टू फॉर्म द हैप्लोइड गैमेट्स। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर ले हम लोग। अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, विथ अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए हम लोगों को स्पेस थोड़ा बना लेना है। ठीक है, स्पेस कम पड़ रहा है तो बना लेते हैं हम लोग। सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, to form the haploid gametes. ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा मियोसिस गेमेटोजेनेसिस। उसके बाद क्या देखे, यहां जो टर्म्स आए डिप्लॉयड हैप्लॉयड। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इनके एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 टू 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।